बोले भूमि वाले बाबा की। भगवान शीशनाग हरियुग में उपकार करते हैं। उन्होंने चाहा कि मिल के पास भगवान का खजाना है, क्यों नहीं इस खजाने को बंटवा दिया जाए। और उस खजाने को बंटवाने के लिए मिल महाराज यह समझते हैं कि शायद यह इस खजाने को बांटने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जिस कर लेता है उसी कर देता है, अर्थात शायद बेईमाना नहीं कर पाएगा, इसलिए इस खजाने को क्यों न शेषनाग के साये में भूमि धाम पर बंटवा दिया जाए। और वे कैसे खजाना सौंपते हुए भगवान सदाशिव मिल कैसे कह रहे हैं, उस समय का भजन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान शिव ने दिया भी देखा कि गणेश भगवान तेरा ऐसा गुण प्रकट आ रहा है, तो वे वहां उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर बोले, अरे ये तू कैसे गुण गा रहा है भाई, किसका गुण गा रहा है, क्या गुण गा रहा है, किस खजाने की बांटने की बात तू कर रहा है, क्या उस खजाने से हमें भी कुछ मिलेगा। तो वह बालक गणेश भगवान कहते हैं कि आप भगवान शेषनाग के दरबार में आप विनत मस्तक हो तो आप भी इस खजाने को सबकी तरह समान बांट कर रख सकते हैं। और कैसे कहते हैं, किस खजाने की बात करते हैं, गुरु मिल गुफा झील मिल, गुरु मिल गुफा झील मिल, हमें शौप खजाना जंग जो रहे, बीज में शरदा सुमन के उजड़े चमन में वो रहे, उजड़े चमन में वो रहे, गुरु मिल गुफा झील मिल, गुरु मिल गुफा झील मिल, हमें शौक खजाना जग जो रहे, बीज में शरदा सुमन के उजड़े चमन में वो रहे, उजड़े चमन में वो रहे।
बताया। हमने कहा समझा कि संसार में तो प्रेम विषैला है, प्रेम किससे होता है, प्रेम मुखनों से होता है, अपना कौन होता है, अपना तो यहाँ कोई भी नहीं होता। यह शरीर भी हमारे गण होते हैं, इसके अंग भी हमारे गण होते हैं, यह शरीर भी अपना नहीं होता, फिर भी कौन अपना होगा, अपना परिवार होगा, वह भी अपना नहीं होता। और गम विष, अगर जो भी प्रेम करता है उसको विष धारण करना पड़ता है, अर्थात गमों को झेलना पड़ता है। हम उन गमों को, उन विष को पीकर जब भगवान से मिलने गए तो भगवान शिव हमसे बोले कि हे भाई तू इससे डर रहा है, तू इस विष से डर मत, तुझे तो हलाहल पीना है, अर्थात अंगारों भरा विष पीना है, और तू अभी से डर गया है, यह काम मेरा ही नहीं कि मैं ही हर बार विष को पीऊं, तू भी तो विष को पी कर देख, अगर तू इस विष को पिएगा तो तू क्या कर सकेगा। भगवान मिल मिल बोले के सदाशिव का आभूषण है कि वे हलाहल को धारण करते हैं, अर्थात तू भी हलों का हल निकाल देगा, इसलिए बेटा अगर तुझे चमकना है तो अंगारों पर तो झेलना होगा, उस जहरीले विष को पीना ही होगा, उस हलाहल को तुझे धारना ही होगा, और उसकी लो लगाने के लिए, ऐसा करने के लिए क्या हो जाता है समझ। ये जो कामनाएं होती हैं, ये जो भाव होते हैं, जो अरमान होते हैं, वे तो दफन हो जाते हैं, क्योंकि फिर अरमानों की तो कहीं गुंजाइश रह ही नहीं जाती। हम निकले श्री राम से कहने, हम निकले श्री राम से कहने, वनवास कटे है ऐसा मंत्र दो, हम निकले श्री राम से कहने, वनवास कटे है ऐसा मंत्र दो, मर्यादा धर स्थित रहो, पुरुषोत्तम की मनसा जान के, पुरुषोत्तम की मनसा जान के, चैन सुख सारे खो रहे, प्रीति में शरदा सुमन के उजड़े चमन में। ने तो राजाज्ञा से वनवास काटा है, शायद वह वनवास काटने का कोई मंत्र बता दे। हम जब उनके पास पहुंचे तो उस समय भगवान मिल मिल कैसे बोले, मैं बोले बेटा भगवान वनवास तो कहते हैं, अर्थात यह जीव है जो यह वन में भटक रहा है, जो इस जीव को अपने आधारित कर ले, अर्थात इसको जान ले, पहचान ले, अर्थात वही वनवास को काट पाता है, अर्थात परमात्मा को धारण करना। जब तक नहीं जानते तब तक यह जीवन वनवास ही तो होता है। वह बोले के बेटा अगर तू वनवास काटना चाहता है तो मर्यादाओं को धारण कर ले, और स्थित होकर डटा रहे, इन मर्यादाओं से कभी भी घबराओ, अगर उनकी भी सुने तो उन्होंने तो आज्ञा दे दी, अर्थात तेरे जीवन में चैन और सुख तो कहीं रहने वाला है ही नहीं, वह भी इच्छा धारण करनी पड़ती है। हम निकले श्री कृष्ण से कहने, हम निकले श्री कृष्ण से कहने, हम निकले श्री कृष्ण से कहने, बचे धर्म नचो, हम निकले श्री कृष्ण से कहने, बचे धर्म ऐसा नाच नचो, मैं बोले हम मिल मिल बढ़ेंगे, मैं बोले हम मिल मिल बढ़ेंगे, आप पहले महाभारत रचो, आप पहले
पहले महाभारत रचो नारायण की मन सजान के, नारायण की मन सजान के, सिद्ध सभी संग हो रहे बीज में श्रद्धा सुमन उजड़े चमन में हो रहे, हाँ उजड़े चमन में हो रहे। और कृष्णा तीसरे नंबर पर आता, लेकिन गणेश भगवान ने समझा कि अगर इस तरह युग आएंगे तो मर्यादित राम की तो व्यवस्थाओं पर मतलब फर्क पड़ेगा, अर्थात उनकी महत्वता को कम आका जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान विराट रूप दर्शन देने वाले हैं, उनको तभी लाए जब उससे पहले मर्यादाओं को स्थापित किया जा सके। इसलिए भगवान गणेश ने युगों को ही परिवर्तित कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण के पास जब जाएंगे तो वह कैसी आज्ञा देंगे, वह तो यही आज्ञा देंगे कि तुम महाभारत रचो, क्योंकि जिसका काम जो होता है वह दूसरे को भी ऐसा ही काम सौंपना चाहते हैं जिससे उसको आराम मिले। वे बोलेंगे यह महाभारत रचने का काम मेरा ही थोड़ा है, तू भी महाभारत रच, तब तेरा यह जो तू ये चिंता कर रहा है कि धर्म नहीं बच रहा है यह तभी बच सकेगा। महाभारत हम किसको समझते हैं, हम सब युद्ध होने को महाभारत समझते हैं, लेकिन यह है कुछ लोगों ने जो ज्ञान का, जो अपने धर्म का, जो अपने देश का सम्मान करना नहीं चाहते, उन लोगों ने संसार में यह भ्रम फैला दिया है कि युद्ध होने को महाभारत समझते हैं, अन्यथा जब भारत महान हो जाए उसी को महाभारत कहते हैं। जैसे काल जब महान हो जाए अर्थात काल आने के बाद भी परमात्मा का दर्शन बना रहे उसको महाकाल कहते हैं, और जो भारत महान हो जाए उसे महाभारत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन द्विगुणों को प्रकटाओ अर्थात सब चीजों को अपने साथ में लेकर चलो। अगर तू इस बार को अपने ऊपर रख ले तो ये भगवान श्री शेषनाग खुद तुझसे पूछ लाएंगे तेरी समस्या क्या है, तूने मेरे भार को क्यों उठा लिया है, अब मैं क्या करूं, तो तू मुझे बता, तो तब मैं खुद परलय लाएंगे, वे इस परलय को महापरलय में बदल देंगे। बेटा
या तो जिसको मिल बार बार बोल रहा है उसे मणि के रूप में धारण कर, वह गुरु ही मणि के रूप में होते हैं जो गुरु को सदगुरु के रूप में धारण करते हैं। सब कहते हैं कि गुरु मिल गए, मिलते नहीं, उनको मिलना नहीं चाहिए, उनको तो धारण करना चाहिए। अर्थात सत्पुरुषों को जब धारण किया जाता है, उनके दिवगुणों को धारण किया जाता है, उनका साक्षात दर्शन होने लगता है। अर्थात हम निकले श्रीयों के कृष्ण कहने, हम निकले श्रीयों के कृष्ण कहने, दर्शन पर ले को महश जी की मन सजान कहे लगा लो केंद्र लो रहे बीज में श्रद्धा सुमन पे उजड़े चमन में हो रहे चमन में हो रहे हैं। हाँ, चमन